हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग नहीं, यहाँ यार ये वाली वीडियो है। एक वीडियो इस चीज़ की है कि यार मैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था, और एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए लास्ट वीडियो का। जो वरना का था सीन वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, अभी क्योंकि मैं वरना में ही हूँ, और इसका सीन ज़रूर बताऊंगा मैं आपको किसका। चलो प्राइस तो जो प्राइस कोट करा उन लोगों ने वो तो नहीं बताने वाला, बट ये है कि हाँ तो मैं पूरे सीन समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछी थी दो चीज़ें कि यार मैं ट्रिप रिवील करूँ अपना जो 7-8,000 किलोमीटर्स का आने वाला है, या फिर मैं अपना पहले जो कसौल ट्रिप था उसका बजट बताऊँ कि मतलब हमारे कितने कितने पैसे खर्च हुए, कितना कितना हमारी कंट्री लगी आपस में हम सब दोस्तों की, तो वो चीज़ बताने के लिए। तो यार आज वाला व्लॉग इस चक्कर में ही सीधा गाड़ी से शुरू हो रहा है। एक तो टाइम बताऊँगा ना, 5:45 बज रहे हैं और पूरे दिन यार काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक निकला, पूरा दिन काम के चक्कर में लगे हुए थे। तो अब मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा। एंड यार गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था कि यार मतलब कि इतनी मतलब इतने टाइम से, तो हमने देखो यार कोई ऐसा सच कोई हिसाब नहीं होता जब सारे यार दो जाते हैं, कहीं पे किसी ने दे दिए, कहीं पे किसी ने दे दिए। बट मैंने अब जैसे जब मैंने लास्ट वीडियो कमेंट्स पढ़े तो फिर मैंने सबसे मांगा कि भाई तुम्हारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार कैलकुलेट कराएं तो आई थिंक ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे सस्ता ट्रिप रहा है। बहुत कम कंट्री आई है यार, या तो इस वजह से कि हिमाचल में अभी टूरिज़्म नहीं है, या फिर पता नहीं किस वजह से, तो एक ये चीज़ है। तो अब मैं बताता हूँ, अभी गाड़ी ना साइड लगाता हूँ मैं, और आप लोगों को देखो ये रखी मेरी डायरी, अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि भाई कितने पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे, और सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर कि मतलब कहाँ जाना चाहिए आपको मनाली कसौल के अंदर, या जिस पार के अंदर कहाँ स्टे करना चाहिए। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, क्योंकि यार बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखने से अच्छी लगती हैं बट वो अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी, चाहे वो स्टे ले लो या फिर कहीं पर तुम खाने पीने किसी लॉन्ज में या किसी बार में या किसी कैफ़े में तुम रुक गए हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर से जो चीज़ अच्छी लग रही है वो अंदर से भी अच्छी हो, तो इस वजह से मैं अब सब चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी लगाता हूँ सबसे पहले मैं साइड में और कैमरे को रखता हूँ, और अभी एक चीज़ और बताऊँगा कि मेरे साथ क्या आज मेरा क्या कटा गंदे वाला, तो वो बताऊँगा। एंगल देख रहे हो आज किस एंगल पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ पता भी क्या कटा है। मैंने ना 2-3 दिन पहले ना एक कार वो होता है ना मोबाइल होल्डर वो ऑर्डर कर रखा था, जो लास्ट वाला था वो मेरा ख़राब हो गया था मनाली कसौल के अंदर, वो ख़राब हो गया था, मैंने ऑर्डर कर रखा था। और ये देखो ये अभी जस्ट मैंने अभी अनबॉक्सिंग करी है इसकी बिहाइंड द कैमरा, और ये देखो टूटा हुआ आया है। ये देखो अगर मतलब मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ से टूटा हुआ है, इस चक्कर में फ़ोन ऐसे रखना पड़ रहा है क्योंकि अब इसको रिटर्न डाल दूंगा अगर कोई दिक्कत नहीं है वो, तो पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, अमेजोन से मंगाया था। तो हाँ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो मेरी डायरी, इसके अंदर मैंने सारा कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को डीजल का और क्या कहते हैं उसका फास्ट टैग्स जो भी टोल वो लगे इन सबका बिल्कुल एंड में बताऊंगा, क्योंकि तभी ऐसे हिसाब लग पाएगा। और सब चीज़ों के ना मैं क्लिप्स ज़रूर साथ में जोड़ूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे डीजल डाला था, अगर मैंने उसका कुछ व्लॉग कर रखा तो मैं व्लॉग में से कटआउट निकाल कर लगाऊंगा यहाँ पर ज़रूर, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से चीज़ पता लग जाए कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वो कैसी दिखती है। जैसे अब सपोज कैफे 1986 के बारे में अभी बात करने वाला हूँ, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर है, और तो वो देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मैं लिंक्स लगा दूंगा आई बटन के अंदर, उसके अपने जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँगा तो उस वीडियो का मैं लिंक्स जरूर लगाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कसौल के डॉम्स की, जो हम लोगों ने डॉम्स लिए थे। तो वो बेसिकली ये था कि एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट गुड गाइज, क्योंकि यार एक तो वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जो तुम्हें होस्ट कर रहा था, खाना भी दूसरे होटल से आ रहा था। तो डॉम्स का बस ये था कि हाँ एक मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस है अगर करना चाहते हो तो, एज सच कोई वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है कि यार जाओ बहुत अच्छा, एज सच कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक रूम है। और उसके हमने पे करे थे, हमने लिए थे 2 डॉम्स और हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस डलवाया था जिसमें मैं अभिषेक और प्रांजल थे, जिसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस था, और एक में थे अदिति और रितुल। तो हमने उसके पे करे थे 4,000 रुपीज़, मतलब 2 डॉम्स प्लस 1 एक्स्ट्रा मैट्रेस के हमने पे करे थे 4,000 रुपीज़। और जो हम लोगों ने फिर कसौल पहुँच, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे कसौल पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब थे। तो हमने उसके जब हम कसौल डॉम्स पहुँचे तो कसौल बिल्कुल बंद हो चुका था, तो हम लोगों ने रात को वहीं डिनर करा। एक जो डॉम्स थे उसके सामने एक होटल था, वहाँ से डिनर आया था। उस डिनर के हमने पे करे थे 2500, और खाना नहीं था वो 200 रुपये के लायक भी, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए खाने के बारे में, बट यार जो है मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। एक तो वो खाना आया 1.5-2 घंटे के अंदर, जबकि हमने 9:15 बजे कर दिया था ऑर्डर, तो वो चीज़ थी। एक वहाँ पे हमने 2500 पे करे। उसके बाद कसौल के अंदर
कहीं भी जाओ मत जाओ, एक जगह जरूर जाना, मेरी रिकमेंडेशन है बिल्कुल जाना भाई। एक है ATS कैफे, ATS कैफे, मुझको फुल फॉर्म याद नहीं है बट आप गूगल पर डालोगे तो ATS कैफे आ जाएगा। जिसको भी रील्स बनानी है, फोटोज का शौक है, या नॉर्मली एक अच्छी वाइब का भी शौक है ना भाई, चलो फोटोज वीडियोज का शौक नहीं है, अगर एक अच्छी वाइब का भी शौक है तो कसौल के अंदर ATS कैफे इज मस्ट जाना। बहुत बहुत अच्छी जगह है, उसके बीच जब अब पार्वती रिवर क्रॉस करके जाते हो ना ब्रिज के ऊपर से, तो बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा, यहाँ पे एक वीडियो मैं लगा दूंगा जिसमें देखना कि आप क्या मजा आया था उसके अंदर। तो हमने ATS कैफे में पे गए थे 3400 रुपीज़ और हमने ब्रंच करा था हम सब लोगों ने, पांचों ने, तो 3400 वॉज अ गुड अमाउंट जिसमें कि हमने काफी कुछ मंगाया था खाने पीने का। मतलब वही था यार कि ऑब्वियसली पूरा पेट भर के ही खाया था, कोई पेट से ज्यादा नहीं खाता, पेट से कम नहीं खाता, तो पेट भर के ही खाया था। अगर पांच जनों ने पेट भर के खाया और 3400 रुपीज अगर उसका वो आता है तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं था, उल्टा इनफैक्ट कम ही था। तो अब हम चलते हैं आगे, फिर हम लोग वहां से निकल गए थे कसौल से, कसौल बिल्कुल बंद पड़ा था, तो हम लोग पहुंचे सीधा मनाली। मनाली में हम लोगों ने लिया था वुड रॉक होटल लिया था। वुड रॉक होटल का स्टे बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल स्टे था और एक एक्सपीरियंस भी अच्छा था, स्विमिंग पूल भी था, स्पा बहुत महंगा था, हमने नहीं करवाया था बट स्पा था, जिसको भी शौक हो स्पा का तो वो करवा सकता है। और हमने वहाँ पे भी सेम दो रूम प्लस वन एक्स्ट्रा मैट्रेस लिया था, तो वहाँ पे हमने पे करे थे 7000 रुपीज फॉर वन नाइट। और हाँ, डॉम्स में भी हमने वन नाइट के 4000 रुपीज पे करे थे, मतलब 2000 रुपीज ईच ऑफ अ डॉम। और ऐसे ही 7000 रुपीज हमने पे करे अपना उसके अंदर वुड रॉक होटल के अंदर हमने 7000 रुपये पे करे दो रूम्स के। और वो रूम्स लिटरल ऐसे थे कि अगर सीजन है तो, अगर नॉर्मल सीजन भी है ना, तो ये नहीं कि बिल्कुल ऑन चल रहा है सीजन, अगर नॉर्मल भी है तो वो 10-12 हज़ार रुपये का एक कमरा था। बट बिल्कुल हमें नहीं पता था कि जब हम पहुंचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी और सीज़न इतना ज़्यादा ऑफ होगा, इस चक्कर में बहुत सस्ती बड़ी चीज़ें, तो 7000 रुपये हमने वहाँ पे करे। अब आते हैं मेन चीज़ पे, मेन जो मतलब कि कहते हैं ना दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़। फिर हम लोग वुड रॉक कैफे से निकलकर हम डिनर करने पहुंचे मनाली मॉल रोड। मनाली मॉल रोड पहुंचने में हम बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग जैसे पहुंचे मनाली अपना होटल्स वोटल तो हम लोग अपनी मस्ती मजाक करने लग गए थे, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग पहुंचे, हमें कैफे खुला मिला, कैफे 1947 गए, ओल्ड मनाली वाला नहीं, न्यू मनाली वाला, तो वो था बंद बिकॉज ऑफ जीरो टूरिज्म। तो उन्होंने बताया था, वहाँ पे गार्ड बैठे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो बंद था, तो उस वजह से फिर हम लोग गए कैफे 1986। हम लोग पहुंचे मनाली मॉल रोड पे, ये प्रॉपर मॉल रोड पे है भाई, इतना बेकार खाना, इतना बेकार एक्सपीरियंस, मतलब कि हमने खाना ऑर्डर करा, खाना आया बहुत लेट, बहुत जैसे कहते ना, और सिर्फ हमारी एक टेबल लगी हुई थी, पूरा कैफे खाली था, बिल्कुल A to Z पूरा कैफे खाली था। और इतना इतना मतलब कि वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में किसी भी कैफे में बैठने का, कहीं पे भी खाना खा लो और इतना बुरा हाल नहीं हो सकता। पता है हमने कितना पे करा, हमने ATS कैफे में पे करा था सब लोगों ने मिलकर 3400 रुपीज़, हमने कैफे 1986 मनाली में पे करा हम लोगों ने 10,300 रुपए, 10,300 रुपीज़ फॉर अ डिनर। मतलब समझ नहीं आया हम लोगों ने, हम लोग भी मौज मस्ती सी में थे, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया उस पे, क्या कहते हैं मेन्यू कार्ड पे, कि क्या प्राइस लिस्ट है, सच में नहीं देखा हम लोगों ने। और असलियत में हम लोग ऐसा देखते भी नहीं है कि यार प्राइस लिस्ट है, क्योंकि जब भूख लग रही है तो लग रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक वो वर्स्ट, और चलो ठीक है 10,000-10,500 तुमने ले लिए, कोई इशू नहीं भाई, पांच जनों के 10,000-10,500 रुपए इज नॉर्मल, बट द थिंग इज कि सर्विस और खाना यार एटलीस्ट ये दो चीज अच्छी हो सकती थी, बिल्कुल खराब थी ये चीजें, बिल्कुल खराब, लिटरल कह रहा हूँ भाई। गलती मत कर देना कैफे 1986 में जाने की, बिल्कुल भी गलती मत करना। उसके बाद फिर हम लोग मनाली से ऊपर चले गए थे अटल टनल होते हुए, हम लोग सीधा गए, पहले हम लोगों ने अटल टनल पे खाई मैगी एंड ऑल, तो उसका बिल कुछ था 600-650 रुपए, वहाँ पे मैगी खाने का अलग ही स्वाद आता है, सब लोगों को होता ही है यार, एक पहाड़ों पर जा रहे हो तो एक अच्छे स्पॉट पर बैठकर मैगी खाओ। तो मतलब मेरा एक पर्सनली एक ये चीज़ है कि मैं जब भी मनाली जाता हूँ तो मैं अटल टनल के बाद ही बैठकर मैगी खाता हूँ, उससे पहले मैं कहीं कुछ नहीं खाता, क्योंकि मेरे को वो सीनिक व्यूज़ मिलते ही नहीं जो अटल टनल के बाद मिलते हैं। तो वहाँ पे 650 रुपए हमने पे करे थे। तो फिर हम लोग निकल गए थे स्पीति वैली की तरफ निकल गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे, मैंने व्लॉग में भी दिखाया हुआ, मैं आई बटन में लगा दूंगा, मैं सारी वीडियोस के लिंक्स लगा दूंगा, चाहे मनाली वाली हुई कैफे 1986 वाली, चाहे कसौल वाली हुई, चाहे अब ये वाली। तो हमने वहाँ पे करा था 300 रुपीज़, कार की फीस थी, एंट्रेंस फीस थी स्पीति के लिए,
तो वो बेसिकली यही होता है कि वो डाटा रखते हैं अपने पास कि कितनी गाड़ियाँ गई हैं, कितनी गाड़ियाँ आई हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन से यार कि कोई अनफॉर्चुनेट थिंग ना हो जाए तो पता होना चाहिए उनके पास कि कितनी गाड़ियाँ हैं कितनी नहीं है। ऑल्दो मैं जब लास्ट ईयर गया था तो मैं वरना से गया था, तब मैंने आई थिंक पे करे थे 150 रुपए के आसपास, और अब 300 थे, क्या पता शायद से वो गाड़ी का भी डिफरेंस हो गया। अब क्या मैं बड़ी गाड़ी लेकर गया था तो 300 रुपीज मैंने वहाँ पे करे। उसके बाद हम लोग पहुँचते सीधा जिस्पा, जिस्पा पहुँचने के बाद हम लोगों ने लिया होटल याक। मतलब अगर देखा जाए तो जिस्पा के हिसाब से होटल याक वॉज अ वेरी गुड स्टे गाइज, मतलब कि मज़ा आया था उसमें रहने में। और हम लोगों ने एक ही वो कह सकते हैं कि एक सूट था वो, तो एक ही रूम के अंदर दो डबल बेड थे और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस हमने करवा लिया था। तो और उसके अंदर मेरे को ना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मेरे पास ना अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने टोटल कितना पे करा होटल याक में। आई थिंक डिनर इंक्लूड नहीं था और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो विद डिनर हम लोगों ने वन नाइट के पे करे थे वहाँ पे 6900 रुपीज़। तो 6900 रुपीज़ हमने वहाँ पे करे थे और डिनर था उसके अंदर, डिनर प्रॉपर था, मज़ा आया था खाना खाने में भी, स्वाद भी था खाना, और ब्रेकफास्ट भी हमने बहुत अच्छा करा था, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था वहाँ का। उसके बाद फिर हम लोग वापस के लिए चल दिए थे बिकॉज थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी यार, अभिषेक की थोड़ी सी डेडलाइंस थी, तो प्रांजल का भी कॉलेज था, हम लोग तो खैर फ्री थे उस टाइम पे, तो फिर हम लोगों को ज़बरदस्ती वापस निकलना पड़ा, किसी का भी मन नहीं था वापस जाने का, बट गए हम लोग वापस। तो वापस जाते जाते हम लोग फिर रुके जीरी, ऐसे हम लोग वापस जा रहे थे, हम स्पीड में थे काफ़ी में और हम लोग जा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने देखा रिवर राफ्टिंग के ना बोट जाने लग गए थे, तो फिर सबका एक साथ मतलब कि विदाउट एनी प्लान विदाउट एनी थिंग ऐसे ही बस चलो रिवर राफ्टिंग करते हैं, तो हम रिवर राफ्टिंग करने के लिए रुके। और इतना सस्ता था ये रिवर राफ्टिंग, बहुत महंगी होती है तुम सबको पता होगा यार, तो हमने रिवर राफ्टिंग में दिए 2000 रुपये, जिसमें कि हम पाँच ही थे बस एक राफ्ट में, नहीं तो और लोगों को ये घुसा देते जब सीजन ऑन होता है। 2000 रुपये हमने राफ्ट के दिए और 600 रुपये हमने दिए वीडियोज़ एंड फोटोज़ के, जो आप लोगों ने रिवर राफ्टिंग वाली वीडियो में देखा होगा, वो अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, आप लोग वो भी देखना, बहुत अच्छा था। उसके अंदर हम काफ़ी डर भी गए थे क्योंकि जो फ्लड आया था हिमाचल में, तो हमारी राफ्ट नीचे घर आ गया था, मतलब कि पार्वती रिवर के अंदर, वो दो रिवर्स हैं, मेरे को दूसरी का नाम ध्यान नहीं है, तो मैं पार्वती रिवर बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर ना घर के घर बहकर आ गए थे, तो हमें नहीं पता लगा राफ्ट के नीचे, फिर वो घर आ गया था, तो हम बिल्कुल अटक गई थी राफ्ट, तो हमें यही डर था कि कहीं गलती से भी वो ना हो जाए यार, ये फट ना जाए राफ्ट, तो सबकी ऐसी की तैसी हो जाती, तो बस यही था। और उसके बाद जो यार मेरा बर्थडे था 23 सितंबर को, तो हम लोगों ने पार्टी पुर्टी करी थी, उसके मैंने पे करे थे 6600, 6500 रुपये का हम लोगों ने अपना प्राइवेट डिनर करा था बेसिकली, तो वो हमने शूट नहीं करा था बिल्कुल भी 1% भी, क्योंकि सब अपने कंफर्ट जोन में थे। तो मतलब ऑल इन ऑल मैं टोटल बता देता हूँ, टोटल हमारा वो था 58,300 समथिंग, मतलब कि आप लगा लो 59,000 के अराउंड अराउंड हमारा टोटल हुआ था, कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो नहीं भी लिखी जो किसी को नहीं है यार, तो 59,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 3-4 जगह घूम कर भी आए, हम बड़ी गाड़ी भी लेकर गए, और हाँ डीजल बताना भूल गया मैं, सॉरी डीजल मैंने जब सबसे पहले हम यहाँ से निकले तो सबसे पहले मैंने इसका टैंक फुल करवाया था वरना का 4500 का। उसके बाद हमने XUV का टोटल डीजल लिख रखा है मैंने गाइस, तो टोटल XUV में डीजल लगा था 9000 रुपीज़ का, मतलब कि लुधियाना से जिस्पा तक और जिस्पा से वापस लुधियाना, तो उसमें 9000 रुपये का डीजल लगा था, इसमें 4500 का लगा था, क्योंकि ये यहाँ से लुधियाना तक और लुधियाना से वापस ही आई थी, तो इतना ही लगा था, इनफैक्ट इसमें बच भी गया था। और जो हमारे टोटल फास्ट टैग्स लगे थे वो लगे थे 1200 रुपये के फास्ट टैग्स लगे थे, मतलब कि टोल्स लगे थे बेसिकली, तो 1200 रुपये के टोल, 9000 रुपये का XUV में लगा डीजल और 4500 का इसके अंदर लगा 4500 का, तो हमारी 59,000 रुपीज़ की काउंटिंग हुई थी टोटल, जितना भी मैंने हिसाब बनाया तो 59,000 के अंदर ऑल एंड ऑल अगर मैं देखूं तो हमारी जो पर हेड कॉन्ट्रीब्यूटी थी हमारी 11,500 रुपये, 11,672 के अराउंड, क्योंकि मैं जो टोटल अमाउंट बता रहा हूँ वो भी आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, वो 58,000 समथिंग है, मैं उसको 59,000 करके बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटा मोटा हमारा 11,500 रुपये के उसमें बैठा था, और हम लोगों ने फुल ऑन एन्जॉय करा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अगर जा रहे हो, चलो ये तो हो गया पूरा, मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, अगर आप लोग जा रहे हो मनाली तो बेशक जाओ, नीची सेडान कार मत लेकर जाना, हैचबैक्स मत लेकर जाना, क्योंकि रोड्स आर नॉट दैट गुड, अभी हालत टाइट है हिमाचल की, चाहे कितने ही रास्ते खुल गए हैं बट अभी जाम भी लगता है, अभी वापस आते हुए भी हमें काफ़ी जाम मिला था, आई थिंक हम 2.5 घंटे के आसपास खड़े रहे थे एक जगह पर, तो गलती मत कर देना सेडान और हैचबैक ले जाने की, SUV ही लेकर जाना गाड़ी। और मैं क्या बता रहा था आपको, बस दैट्स इट। और हाँ गाइज, स्टे
ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड 7-8000 किलोमीटर्स वाला रोड ट्रिप वेरी सून मैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ। अभी मैंने शूट नहीं करी, उसकी ही प्रिपरेशंस में मैं चल रहा हूँ 24/7। बस अब इस वक्त वही है मेरे दिमाग पे, इस वाली लाइट को भी कर देते हैं, तो अब इस 24/7 बस वही चल रहा है मेरे दिमाग पे कि वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ। उसके अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ, यू गाइज विल लव इट, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइज। गाइज तो मैं ये बताने वाला था आप लोगों को कि वरना को मैं सेल नहीं कर रहा, इट्स माई फाइनल फुल एंड फाइनल डिसीजन। अब कोई ऐसा सच वीडियो नहीं आने वाली कि सेलिंग माई वरना और बाइंग अनदर कार, अभी कोई सीन नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्राइस कोट करा स्पिनी वालों ने और क्या कहते हैं अपना कार्स 24 वालों ने, मेरे को बिल्कुल भी मतलब वो सूट नहीं करा यार प्राइस। अगर मैं, क्योंकि मेरे को i20 CVT नहीं पसंद आई थी, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया, तो जैसे कि मेरे को वो नहीं पसंद आई थी तो मैं कुछ अपग्रेड पे ही जाता नो डाउट। तो मैं अगर कुछ बड़ा प्लान करता तो मेरे को जो मेरा डिजायरेबल अमाउंट था वो मेरे को नहीं मिल रहा, और मेरे को एज सच कोई कमी भी नहीं है इस गाड़ी में, मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जो रोड ट्रिप आने वाली है 7-8000 किलोमीटर वाली, वो इसी गाड़ी में आने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी आप लोग रील्स देखने वाले, और हाँ अगर ट्रिप के आप लोगों को अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा यहाँ पे कहीं पे आपको शो हो रहेगा, पूरी वीडियो में शो होता आ रहा होगा आप लोगों को, तो उस पे आ जाओ, वहाँ पे प्रॉपर अपडेट्स चल रहे हैं, मैं स्टोरीज और सब चीज़ें डालता रहता हूँ, और बस बने रहो यार, सीरियसली ताबड़तोड़ मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार अपने भाई को ना, सीरियसली बहुत फन करेंगे, बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, बहुत अच्छी ट्रैवल सीरीज, इतनी फास्ट ट्रैवल सीरीज आने वाली ना कोई नहीं सोच सकता। मैं लिटरल, मेरा ये ड्रीम ट्रिप है जो मैं करने वाला हूँ, तो समझ जाओ। तो एज यू ऑल नो गाइस, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सच में थैंक यू गाइस, इतना अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार दिया लास्ट वीडियो को। इस वाली वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि हमारे पैसे कितने लगे, ज़्यादा लगे कम लगे, तो जरूर बताना।